महाशिवरात्रि पर बैठमा नगर और क्षेत्र के शिवालय हर हर महादेव के नारों से गूंज उठे। अल सुबह से ही श्रद्धालु का रेला शिव मंदिरों की ओर कूच करता हुआ दिखाई दिया। दूध बेलपत्र, धतूरे के पत्ते और हाथों में जल लेकर श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक के लिए कतार में खड़े रहे। वहीं देर रात तक शिव मंदिरों में भक्तों की आवाजाही बनी रही। नगर के अमन चमन टेकरी रोड पर स्थित प्रमुख प्राचीन कुंडेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की भीड़ उमड़ी। यहां सारा दिन लोगों की आवाजाही होती रही, जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। नगर के थाना परिसर स्थित वटकेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी शिवालयों में भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। नगर के हर शिवालय पुष्पों, गुब्बारों व विशेष लाइटों से सजाए गए थे। मंदिरों में आरती पश्चात खिचड़ी, खीर, ठंडाई लड्डू व अन्य प्रसादी का वितरण किया गया, जिसके लिए भक्तों में होड़ मची रही। वहीं शिव भजनों पर युवा व भक्तों ने खूब नृत्य किया। सुबह विशाल शिव बारात निकाली गई, जिसमें आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोगों का जमावड़ा लगा। जगह जगह बारात पर पुष्प वर्षा हुई। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज मीठी बावड़ी बालाजी मंदिर पर शिव मंदिर के उपरांत बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया एवं हरियाली वितरण किया गया एवं ठंडाई वितरण किया गया। साथ ही भक्तों का तांता यह प्रातः से लेकर अभी तक लगा हुआ है। जोर शोर और हर्ष और उल्लास के साथ यह कार्यक्रम भगवान शिव का संपन्न हुआ। नगर को धन्यवाद। हाल ही में शिव शंकर के महाशिवरात्रि के पर्व नगर बैठमा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा प्रातः से शिव बारात में और विभिन्न शिवालयों में जो वहाँ की समितियों ने, कर्मचारियों ने, बैठमा के नगरवासियों ने भी सहयोग किया और देश के साथ मिलकर एक अच्छा वातावरण निर्मित किया। सबसे मिलकर बहुत अच्छी कार्य हुआ है। नमस्कार साथियों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बेठमा के समीप घाटा बिल्लो देहरी सराय में एक बहुत बढ़िया 3 दिवसीय मेला लगता है, जो पिछले कई सालों से लग रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से यह आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस वर्ष यहां मेले में बहुत अच्छी भीड़ देखने को दिख रही है। आप जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे झूले वगैरह सभी, इसमें लोग यहां पर आनंद ले रहे हैं। यहां आसपास के गाँव के कई लोग यहाँ पर आते हैं और इस मेले का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर कई तरीके के आयोजन होते हैं, हर साल ये आयोजन किया जाता है और इसमें कई लोग यहाँ घूमने आए हैं आसपास। उन सबकी आस्था जुड़ी हुई है, यहाँ जो महादेव का मंदिर है उसमें आस्था जुड़ी। हम यहाँ कुछ भक्त हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आइए, आप मेले में कब से आ रहे हो और आपका यहाँ आके कैसा लगा आपको? हम मेले में सब बहुत पहले से, बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ पर और आज बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। मेले में बहुत आनंद आ रहे हैं। मेले में आप कब से आ रहे हैं और आपको यहाँ आने पे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप बताइए। हम बचपन से इस मेले में आ रहे हैं और यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के ला के यहाँ पे उनको एंजॉय कराते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ये आयोजन नहीं हो पा रहा है और इस वर्ष ये आयोजन हुआ, तो 2 वर्ष के बाद आज जब मेला लगा है तो उसमें आपको क्या अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है? हमको कोरोना के बाद अच्छी चीज़ ये है कि लोगों में थोड़ी सी समझदारी आ गई है। कुछ लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग और प्रशासन भी अलर्ट है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह सिसोदिया, मेठवाड़ा। मेठवाड़ा से आप कहाँ से आए? जी मैं पास में रामबुड़दे गाँव रामबुड़दे से आया हूँ। तो ये था, कुछ दर्शक हमारे बीच आए थे जो इस मेले का आनंद लेने के लिए आए हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजेंद्र सूर्यवंशी, AW24 न्यूज़ संवाददाता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।